किसी मंदिर में यदि पीपल का वृक्ष है तो इन पितृपक्ष में आप जो है किसी भी दिन जाए और एक पीला सूती धागा ले लें, इतना बड़ा लें कि उस पीपल के झाड़ में आप जो 7 बार घूम करके आप उसमें बांध सके। तो एक पीला सूत का कच्चा धागा ले जाए और गायत्री मंत्र बोलते हुए अपने पितरों को याद करते हुए 7 बार उसकी परिक्रमा करते हुए उसमें वो पीला धागा बांध दें और वहां बैठ करके कम से कम एक माला गायत्री मंत्र का जाप कर लें और पितरों से प्रार्थना करें कि भाई किसी प्रकार की कोई भी हमसे भूल चूक हो गई है तो आप हमें इस पितृण से मुक्ति प्रदान करें और आप हमसे प्रसन्न हो तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चली आ रही हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। पितृपक्ष के किसी भी दिन इन 15 दिनों में कभी भी आप जो है 7 सूखे नारियल अपने पितरों को याद करते हुए और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए बहते जल में प्रवाहित कर दें तो किसी प्रकार का कोई भी पितृ ऋण होगा उससे आपको मुक्ति मिलेगी। उन 7 नारियलों को बहाते समय जो है आप अपने पितरों को याद करें, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करें और उनसे प्रार्थना करें कि किसी प्रकार की कोई भी हमसे भूल चूक हो गई हो तो उससे हमें क्षमा करें और हमें पितृ ऋण से मुक्ति दिलाए। तो निश्चित रूप से आपके घर में किसी प्रकार का कोई भी पितृ ऋण होगा जिससे कि पूरा परिवार परेशान है उससे आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिले।